फाइबर ऑप्टिक्स, यहां पर आप देख रहे हैं ये चित्र है मूर लॉ का, मूर्स लॉ। अब मूर्स लॉ क्या कहता है कि हर 2 साल में एक चिप में जितने ट्रांजिस्टर लगते हैं वो डबल हो जाएंगे। अब इससे क्या हुआ, उनकी बात बहुत हद तक सही भी हुई। यहां पर एक चित्र जो देख रहे हैं आप, और ये इनमें डिफरेंस देखिएगा, ये 1981 का, 1981 में जो IBM PC आया था वो उसकी जो क्लॉक स्पीड थी वो थी 4.77 मेगाहर्ट्ज़। ध्यान रखिए ये मेगा है 10^3 में हर्ट्ज़। आजकल के जो पीसी है उनमें 4 कोर होते हैं, मतलब 4 अलग अलग प्रोसेसर कोर, एक प्रोसेसर में 4 अलग अलग होते हैं, और उस वो चलते हैं 3 गीगाहर्ट्ज और उससे ऊपर, मेगा से 3 गीगाहर्ट्ज पे आ गए, और कितने गुना बढ़ गया ये कोर। अगर इसका फैक्टर निकाला जाए, थोड़ा डिवीजन लिया जाए, तो आप देखेंगे 2500 करीब इसका इंक्रीज फैक्टर है। इसी समय कम्युनिकेशन लिंक के बारे में बात की जाए तो वो 45 Mbps, जो कि एक टेलीफोन सिस्टम का T3 लाइन समझ लीजिए, वहां से वो 100 Gbps तक चला गया। अब ये 100 Gbps से आगे क्यों नहीं बढ़ पाया, अगर ये इंक्रीज फैक्टर ले आप तो 45 Mbps और 100 Gbps, ये करीबन 2000 का इंक्रीज फैक्टर है। तो ये है 2500, ये है 2000, यानी कि 500 का इंक्रीज फैक्टर कम है। जो एरर रेट है वो भी बहुत, आप मान के चलिए जीरो हो गया है, जो पहले 10^-5 हुआ करता था जो पर बिट, अब ऑलमोस्ट जीरो हो गया है। लेकिन यहां पर हम बात कर रहे हैं फाइबर की, फाइबर ऑप्टिक्स की, और जब ही हम चर्चा खत्म करेंगे या इसके बारे में आप पूरा जान जाएंगे तब आप समझेंगे ये 100 Gbps तक क्यों है। फाइबर ऑप्टिक्स आजकल के जमाने में ये जितने भी लॉन्ग डिस्टेंस नेटवर्क है, जितनी भी दूरी वाले हैं, उस नेटवर्क का बैकबोन बनाने के लिए हाई स्पीड LAN यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क के लिए और हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस के लिए, खास तौर पे जैसे फाइबर टू होम है, FTTH है, इन सब के लिए फाइबर ऑप्टिक्स का इस्तेमाल होता है। कोई भी फाइबर ऑप्टिक सिस्टम या कहें ऑप्टिकल ट्रांसमिशन सिस्टम, कोई भी ऑप्टिकल ट्रांसमिशन सिस्टम हो जहां पर आप ऑप्टिक्स यानी कि आप लाइट का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके 3 मेजर कंपोनेंट होते हैं, 3 भाग होंगे कहिए तो। सबसे पहला जो होगा उसको हम कहेंगे लाइट सोर्स, ये है लाइट सोर्स। दूसरा होगा ये ट्रांसमिशन मीडियम, ये जो आप देख रहे हैं, और तीसरा हुआ ये डिटेक्टर। डिटेक्टर अगर इस पल्स के बारे में बात करें तो अगर ये 1 बिट है इसका मतलब लाइट है, और लाइट नहीं है तो ये 0 है। ये लाइट है, ये लाइट नहीं है, तो ये 1 हो गया, ये 0 हो गया। इस तरीके से पल्स के हिसाब से 1 या 0 बिट होगी। जो ट्रांसमिशन मीडियम है आप देखें ये कितना पतला, बहुत ही अल्ट्रा थिन फाइबर है, ग्लास का, ये कुछ और नहीं है, एक कांच है, कांच जो आप ग्लास यूज करते हैं। अब ये जो डिटेक्टर है वो देखता है कि बेसिकली ये जनरेट करता है, क्योंकि यहां से लाइट आ रही है, जिस हिसाब से लाइट इस पे पड़ती रहेगी, लाइट पड़ रही है नहीं पड़ रही है, उस हिसाब से ये 1010 करता है। तो लाइट सोर्स जो एक एंड पे है इस एंड पे, और डिटेक्टर है दूसरे एंड पे। यहां पर एक यूनिडायरेक्शनल, एक डायरेक्शनल यानी कि एक सिंप्लेक्स, यूनिडायरेक्शनल मैंने आपको बताया था, सिंप्लेक्स तरीके का डेटा ट्रांसफर हो रहा है, और यहां पर इलेक्ट्रिकल सिग्नल कन्वर्जन हो रहा है, यानी कि बेसिकली जो लाइट पल्सेस है उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में और इलेक्ट्रिकल सिग्नल को लाइट पल्सेस में, इस तरीके का कन्वर्जन यहां पर चल रहा है। क्योंकि एक जगह ये इलेक्ट्रिक सिग्नल आ रहा है, उसको कन्वर्ट करता है, ट्रांसमिट करता है लाइट पल्सेस को, उसको फिर दोबारा रिकन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रिक सिग्नल में रिसीविंग एंड पे, ठीक है जी। तो इस तरीके से ये ट्रांसमिशन होता है इसमें। अब इसके फिजिक्स पे आते हैं। जब एक लाइट किसी भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसका कुछ रिफ्रैक्शन होता है, डिपेंड करता है ये जो दोनों मीडियम है इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कितना है। तो अगर मैं ये परपेंडिकुलर लाइन बनाऊं तो ये ऐसे भी जा सकता है, इसके इस परपेंडिकुलर लाइन के से दूर भी हो सकता है, इसके करीब भी आ सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हम एग्जांपल लें, ये है आपका सिलिका, सिलिका आप ग्लास मान लीजिए, कांच, और ये अंदर जो आप ग्रे में देख रहे हैं, बाहर का एरिया एयर मान लीजिए। तो अगर मान लीजिए यहां से लाइट जाती है, मतलब सिलिका, आप देखते हैं कि सिलिका या ग्लास डेंस होता है, एयर थोड़ी कम डेंस होती है, एयर में डेंसिटी कम होती है, डेंसिटी यहां ज्यादा हो गई, ठीक। तो जब ये यहां से लाइट जाएगी तो बाहर जब निकलेगी तो वो ये परपेंडिकुलर लाइन अगर हम बना दें इनके सरफेस पे तो ये इससे दूर जाएगी,
इसके थोड़ा और एंगल बढ़ा दे तो थोड़ा और दूर जाएगी। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस अल्फा वन है और ये बीटा वन एंगल ऑफ, आप कहें ये इंसिडेंस है, ये आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया। ठीक, ये जो रिफ्रैक्शन एंगल है ये बढ़ता रहता है, जैसे आप इसको और बढ़ाएंगे तो ये और बढ़ जाएगा, लेकिन एक पॉइंट पे ऐसा होगा, ये जो रिफ्रैक्शन हो रहा है पूरी तरीके से इस ग्लास और इस एयर, ये एयर है ग्लास है, इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करता है। तो एंगल, एक ऐसा एंगल होता है जिसे हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल, हर बार लाइट जा रही है हर बार लाइट निकल रही है, लेकिन एक ऐसा एंगल होगा जब लाइट बाहर निकलेगी नहीं, वो सीधा वापस आ जाएगी, यानी लाइट इस तरीके से जाएगी तो वापस आ जाएगी ना, ये बाहर नहीं निकल पाएगी, इसी एंगल को हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल, और ये वापस आ जाएगी, इसको कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या कहेंगे? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब आप देखें यहां कई चीजें हो रही है, अगर ग्लास मोटा है तो यहां पर बहुत सारी जो लाइन रेज है, अगर ये रेज जो आ रही है ये अलग अलग मोड, ये इस तरीके से जा रही है, ये इस तरीके से जा रही है, ये सीधी जा रही है, यानी कि अलग अलग मोड्स हैं इनके, है ना, क्योंकि बाउंस कर रही है, इधर उधर कूद रही है। तो हर एक रे का, हर एक लाइट रे का, किरण का अगर अलग अलग मोड होगा, तो इसीलिए इस तरीके के ग्लास जो बनते हैं या इस तरीके के फाइबर जो बनते हैं उसको हम कहेंगे मल्टी मोड फाइबर, मल्टीपल रेज है ना इसमें, ये 15 किलोमीटर की दूरी तक अच्छा काम करता है। लेकिन अगर इसी मोटाई को, इसी ग्लास की मोटाई को एकदम थिन कर दिया जाए, पतला कर दिया जाए, बहुत कम वेवलेंथ, जैसे 10 माइक्रोन तक कर दिया जाए, माइक्रोन, एक माइक्रोन जो होता है वो 10^-6 मीटर होता है, ध्यान रखिएगा। तो इसका अगर आप कहें ये तो 50 माइक्रोन होता है, और आप जो ये वाला बता रही है 50 माइक्रोन है, अगर इसको हम 10 माइक्रोन कर दें तो क्या होगा, एक ही लाइट जा पाएगी और वो लाइट सीधी सीधी जाएगी, लाइट बिल्कुल सीधी सीधी जाएगी, तो इसको एक गाइड मिल जाएगा, ये जो ग्लास है ये इसको गाइड, एक एक लाइट को या एक रे को एक गाइड की तरह काम करेगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जा रही है ये, ना ये कूदेगी ना ये डांस करेगी, इसी को हम कहते हैं सिंगल मोड फाइबर। क्या कहेंगे? सिंगल मोड फाइबर। तो सिंगल मोड फाइबर जो है वो जबरदस्त तरीके से आपको स्पीड देता है, 100 Gbps तक की स्पीड देता है, गीगाबिट पर सेकेंड, 100 किलोमीटर तक के, 100 किलोमीटर में 100 Gbps, जो कि बहुत ज्यादा तेज है, फास्टर है मल्टी मोड अगर फाइबर का एग्जांपल लें हम, या उसके अगेंस्ट हम कंपैरिजन करें। तो एक बहुत खास बात यह है कि जो ऑप्टिकल फाइबर बनते हैं वो ग्लास से बनते हैं, इस कंच से बनते हैं, यह ग्लास, और ये ग्लास किससे बन रहा है? सैंड से, रेत से। रेत तो हर जगह है, किसी भी समुद्र के बगल में आप खड़े हो जाए, किसी भी मरुस्थल में पहुंच जाए, आपको वहां रेत ही रेत मिलेगी, है ना, कितना आसान है इसको बनाना। अब लाइट जब जाएगी तो उसमें एट्यूनिवेशन होता है, मतलब लॉसेस होते हैं, खासतौर पे आप देखिए कि वो ग्लास की फिजिकल प्रॉपर्टी हो सकती है जिस लाइट, क्योंकि हम फाइबर ग्लासेस बना रहे हैं ना, फाइबर ऑप्टिक्स, ग्लास, ग्लास के थ्रू रेज भेज रहे हैं, तो वेवलेंथ ऑफ लाइट उस पर भी डिपेंड करता है कि वेव लैम्डा क्या है, और ग्लास की प्रॉपर्टी पे भी डिपेंड करेंगे एट्यूनिवेशन। एट्यूनिवेशन का मतलब होता है सिग्नल की स्ट्रेंथ का वीकनेस, कब वो जाके कम हो जाएगी, चाहे एब्सॉर्प्शन हो रहा हो, स्कैटरिंग हो रही हो, डिस्पर्शन हो रहा, बेंडिंग हो रही है, ये सारी चीजें केबल और साथ में जो जो फिजिकल प्रॉपर्टी है लाइट की उसके हिसाब से होता है नुकसान, एनर्जी का नुकसान। तो इस एनर्जी के नुकसान को हम रेशियो के नाप के हिसाब से नापते हैं, बेसिकली जो रेशियो है ये हम इलेक्ट्रॉनिक्स में भी कई जगह देखते हैं, यानी कि जो PI/PO है, PI क्या है, इनपुट पावर, मतलब यहां पर आपने इनपुट पावर दिया, यहां पर आपका आउटपुट पावर आया, मान लीजिए इतनी दूरी पर, तो PI/PO इसको हमने कहा कि भाई ये हमारा हम डेसिबल में निकालना चाहते हैं, एक्चुअली लॉसेज जो है डेसिबल में ही निकाले जाते हैं। तो अगर फैक्टर ऑफ 2 है, यहां पर हमने PI/PO जो है वो कहा कि भाई 2 है, तो कितना आएगा, डेसिबल निकालने के लिए होता है 10 log 10, है ना, 10 log 10 इसका बेस है, तो अगर हम कह रहे हैं PI/PO 2 है तो इसका वैल्यू आएगी 3 dB, कितना आएगा, 3 decibel। डेसिबल के बारे में हम चर्चा करेंगे आगे भी, लेकिन अभी समझ लीजिए ये लॉगरिथमिक या लॉग तरीका होता है पावर रेशियोस को समझने का या उनको रिप्रेजेंट करने का। तो 3 dB का लॉस है इस तरीके का। अब लाइट जब फाइबर से जाएगी तो हम अलग अलग अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के पार्ट देखें तो NIR जो पार्ट है, मैं भी आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम भी बहुत डिटेल में बताऊंगा, फिलहाल आप समझ लीजिए कि NIR पार्ट जो है उसका यूज होता है, 3 wavelength बैंड है इसमें अलग अलग, ऑप्टिकल कम्युनिकेशन के लिए हम उसको यूज करते हैं। पहला है 0.85, यहां जो आप देख रहे हैं, दूसरा है 1.30 जो कि यहां देख रहे हैं आप, और तीसरा आप देख रहे हैं ये वाला 1.55 माइक्रोन, 10^-6 मीटर,
और जितने भी बैंड है इनकी अगर ये विड्थ देखी जाए तकरीबन ये 25,000 से लेकर तकरीबन 30,000 इसका गीगाहर्ट्ज विड्थ है इसका। तो 0.85 माइक्रोन एनआईआर की बात मैं ही कर रहा हूं, इसको पहले यूज किया जाता था और इसमें क्या है कि यहां एटेन्युएशन ज्यादा था। एटेन्युएशन मतलब जो हमारे एनर्जी का नुकसान, वेव या रे की एनर्जी का नुकसान। लेकिन जो लेजर है और जो इलेक्ट्रॉनिक्स, लेजर और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों ही सेम मटेरियल गैलियम आर्सेनाइड से बनाए जाते थे इसमें 0.85 में। अब आप बात करें 1.3 और 1.55 माइक्रोन की, इनकी एटेन्युएशन प्रॉपर्टी बहुत बढ़िया है, केवल 1 किलोमीटर में केवल 5% से भी कम का नुकसान होता है। और यहां आप देखेंगे कि 1.55 माइक्रोन वाला है ये एरबियम डोप्ड एम्पलीफायर्स, यहां पर आप देखेंगे कनेक्टिविटी है, यहां बड़े यूज होते हैं। अब जब लाइट पास होती है फाइबर के थ्रू तब क्या होता है, जो लाइट पल्सेस है जब हम ये फाइबर के थ्रू भेजते हैं तो यहां पर आप देखें इनपुट पल्सेस कैसी है और आउटपुट पल्सेस कैसी है। ये इनपुट पल्सेस है, ठीक है, आउटपुट पल्सेस में देखिए ये फैल गई, इसी को हम डिस्पर्शन कहते हैं, इसको कहते हैं क्रोमैटिक डिस्पर्शन। ये आप किसी भी लाइट के साथ देखेंगे तो ये लाइट, क्योंकि ग्लास के थ्रू तो लाइट ही भेज रहे हैं ना, तो क्रोमैटिक डिस्पर्शन होगा। और कितना क्रोमैटिक डिस्पर्शन होगा ये डिपेंड करता है कि आपने वेवलेंथ कौन सी चूज की है, लैम्डा कौन सी चूज की है। लेकिन इसके तरीके हैं, अगर हम इन पल्स को, अब आप देखें ये ऑर्डिनरी पल्स है ये इस तरीके की, इसको हम अगर फाइबर के थ्रू भेजते हैं तो यहां पर देखेंगे ये आपस में यानी कि क्रोमैटिक डिस्पर्शन हो रहा है, जो कि मैंने यहां भी बताया आपको। लेकिन अगर हम इस पल्स को कुछ इस तरीके से बनाए, जैसे आप साइन एच फंक्शन यूज कर ले या रेसिप्रोकल ऑफ साइन एच हाइपरबोलिक साइन कोसाइन सॉरी 1/cosh यानी कि रेसिप्रोकल और साथनिक कोसाइन, रेसिप्रोकल ऑफ कोसाइन, इस फंक्शन से अगर इसको पास करते हैं तो ये आपस में ये जो प्रॉब्लम है इसको कैंसल आउट कर देता है, डिस्पर्शन इफेक्ट खत्म हो जाता है और इसी को हम कहते हैं सॉलिटॉन पल्स। क्या कहेंगे, सॉलिटॉन पल्स। तो जब यहां पर ये पहुंचेगा तो क्रोमेटिक डिस्पर्शन कम से कम होगा या कि नहीं होगा।